हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अढ़ेयर में आपका स्वागत है। ठीक है, ये वीडियो नंबर 4 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, क्लास 10th के। ठीक, और इससे पहले हम लोगों ने 4 वीडियो में बेसिक टू प्रो एडवांस लेवल हम लोग चल रहे हैं, तो बेसिक टू प्रो लेवल पे चल रहे हैं। तो हम लोगों ने कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 10 से रिलेटेड किए हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन आप लोग को शो हो रहा होगा, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के आंसर की ओर। तो क्वेश्चन के आंसर से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे और फिर उसके बाद उसके प्रूफ की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि m टाइम्स ऑफ द mth टर्म, मतलब m टाइम्स लेना है किसका, mth टर्म का। ठीक है, और क्या कहा है, क्या कहते हैं, n टाइम्स लेना है nth टर्म का, मतलब n टाइम है किसका, nth टर्म का। और क्या है, m नॉट इक्वल टू n है। ठीक, और क्या कहा है, और क्या कहा है क्वेश्चन में, और हम इस क्वेश्चन में कहा है कि हमको शो करना है क्या, टी एम प्लस एन इक्वल टू जीरो, मतलब इस क्या शो करना है, टी एम प्लस ये हमको शो करना है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं एकदम बेसिक टू प्रो एग्जाम। हम लोग को इस तरीके से लिखेंगे भी, तो आप लोग को जितने भी नंबर्स में आएंगे उतना आप लोग को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग को प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म लिखेंगे। ठीक है, एंड डी बी द लिखेंगे हम लोग क्या, कॉमन डिफरेंस। ठीक, और फिर क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद फिर कहेंगे कि नाउ या देन लिखेंगे। ठीक है, देन देन तब हम कहेंगे टी एम टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, एंड टी एन टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एंड गिवन डेट हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि एम टी एम इक्वल टू एन टी वन टी एन। ठीक है, और एम नॉट इक्वल टू एन ये दिया हुआ है। तो बस हम लोग इसको इससे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट से। ठीक है, तो हम लोग फ्रॉम फर्स्ट से क्या कर सकते हैं, एम और टी एम की वैल्यू क्या है, ए एम माइनस वन इंटू डी ये है ना, और फिर उसके टी एन की वैल्यू ये है, तो एन और टी एन की वैल्यू ए एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। तो एम ए जब कुछ नहीं समझ आता ओपन ही करने काम करते हैं, एम एम माइनस वन इंटू डी एन ए, और ये क्या हो जाएगा, एन एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, और इधर इस साइड ले आएंगे तो एम ए, और ये ए देखिए, ए और डी क्या है, अननोन है, अननोन है, तो हम ए और डी को एक साथ ले आएंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे लाने की। ठीक है, तो क्या है, अननोन है, तो ए डी को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे, एम ए, और ये क्या हो जाएगा, एन ए, ब्रैकेट हो गया ले लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा, एम एम इंटू एम माइनस वन इंटू डी, और एन एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा इधर। ठीक है, इसमें से एम माइनस एन कॉमन ले लेते हैं, ए कॉमन ले लेते हैं, माइनस एन आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एम स्क्वायर माइनस एम, और ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एन, और पूरे में डी कॉमन है। ठीक है, ये समझ में आएगा ना, एक स्टेप थोड़ा सा इसमें, पहले डी कॉमन करना है फिर ये सॉल्व कर लेना है। क्या किए, एम स्क्वायर इंटू एम, एम स्क्वायर हो गया, और एम इंटू माइनस एम हो गया, ये माइनस एन स्क्वायर हो गया, और माइनस माइनस प्लस एन हो गया। ठीक, अब एम माइनस एन ए, और ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, माइनस अगर कॉमन लेते हैं, एम प्लस एन हो जाएगा, एम प्लस सॉरी एम प्लस एन नहीं होगा, एम माइनस एन होगा। ठीक है, ऐसे अब चलिए इसी तरह से करते हैं, पहले ये हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा एम माइनस एन ए, और ये क्या ले सकते हैं, एम प्लस एन ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, और ए माइनस बी लिख सकते हैं ना, तो बस, और इसको लिख सकते हैं एम माइनस एन, और इसमें अगर माइनस कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, तो एम माइनस एन इंटू डी इक्वल टू जीरो। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, एम माइनस एन
क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा पूरे में, कॉमन हो गया पूरे में। अगर कॉमन हो जाएगा तो बचेगा ये ए, और इसमें क्या बचेगा, एम प्लस एन, ठीक, और ये क्या बचेगा माइनस, इसमें क्या बचेगा माइनस वन, तो माइनस वन वन बचेगा, और पूरा क्या है डी है ये, इक्वल टू ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। तो हमको क्या दिया है, या तो एम माइनस एन 0 होगा, और या तो ए प्लस एम, नहीं शो कर रहा है क्या, चलिए एक सेकेंड थोड़ा सा सेटअप कर लेते हैं अभी। चलिए यहीं पे हम डिस्कस कर देते हैं, ठीक है, ये दिख रहा होगा ना, तो हो जाएगा एम प्लस एन माइनस वन, और ये हो जाएगा आपका क्या डी ना, हाँ यहाँ डी होगा, ठीक है, और ये ब्रैकेट हटा देते हैं एक मिनट, ये डी इक्वल टू 0, ठीक, ये हो गया। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चलिए पहले इधर देखते, तो देखिए पहला केस क्या है, एम माइनस एन इक्वल टू 0 है, केस वन, केस फर्स्ट, तो एम क्या हो जाएगा इक्वल टू एन, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एम नॉट इक्वल टू एन दिया हुआ है, ठीक है, तो ये हम केस छोड़ देंगे, केस टू देखेंगे, इसके मतलब हम कर सकते हैं ये नहीं होगा, विच इज नॉट पॉसिबल, मतलब ये होगा, तो मतलब ये कंडीशन तो गया, तो ये नहीं हो सकता है, तो बस यही होगा, ए एम प्लस एन माइनस वन, ठीक है, और इंटू डी इक्वल टू 0, और इसको हम लोग टी एम प्लस एन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए अगर ये दिख रहा है ना, चलिए तो ये हो जाएगा टी एम प्लस एन इक्वल टू ये ए, और एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बस यही चीज तो यहाँ लिखे हैं इक्वल टू 0, यही प्रूफ करना था, तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन प्रूफ, ठीक है, तो कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन आप लोग को पूछना होगा जो नहीं समझ में आ रहा वो कमेंट में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। तो चलिए ऐसे ही अगले वीडियो में एक और क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं, ठीक है, उसको कंप्लीट करके फिर उसके बाद इसके आगे के कॉन्सेप्ट समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट सब कुछ करिएगा, ठीक है, तो थैंक यू।